बटेर को हाई प्रोटीन वाला फिश चाहिए सर, तो इसमें घर में अगर तैयार करेंगे तो वो बटेर के लिए सक्सेसफुल नहीं, ये देसी मुर्गी के लिए सक्सेसफुल हो सकता है। आजकल गांव-गांव में हर कोने कोने में इसके खाने वाले बहुत हैं जी। आजकल ब्रॉयलर की तरफ नहीं जा रहे हैं, आजकल बटेर हो गया, गिनी फॉल हो गया, देसी मुर्गी हो गया, इनके तरफ बहुत जा रहे हैं। नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, अतुल कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों आज हम आप लोगों को बटेर फार्म का एक काफी सक्सेसफुल फार्म अभी पीछे दिखाएंगे। ये जो आप पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो फार्मर है उन्होंने काफी पहले से जो है बटेर फार्मिंग की शुरुआत की हुई है, तो उनका जो जीरो से उन्होंने संघर्ष करते करते आज इतना बड़ा फार्म उन्होंने तैयार किया है, और साथ ही वो उनके साथ जो है हैचरी सिस्टम भी है, तो उन सब चीज़ों को समझते हुए चलेंगे और इनके सक्सेसफुल फार्मर जो है उनसे आप लोगों को मिलाएंगे कि बटेर फार्मिंग वो किस तरह से कर रहे हैं। यदि आप भी जो है बटेर फार्मिंग में आना चाहते हैं तो उनसे काफ़ी कुछ देखने सीखने मिलेगा कि किस तरह से उन्होंने बटेर फार्मिंग एक छोटे स्तर से शुरू किया था, आज उन्होंने इतना बड़ा व्यवसाय बना लिया है अपना, तो इसमें लागत किस तरह से आती है, खर्च किस तरह से आते हैं, क्या क्या समस्याएं हमको उसमें देखने को मिलती है, और मार्केट मेन होता है साथियों मार्केट, तो मार्केट को भी सर से हम समझते हुए चलेंगे, काफ़ी सारी बातें करेंगे उनसे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वीडियो में आप पूरा अंत तक बने रहें। सर मेरा नाम वेदराम सिन्हा, ग्राम ठोंगा, पोस्ट तमोरा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़। सबसे प्रथम आपको हमारे फार्म पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ आपके व्यूअर के जितने भी व्यूअर साथी हैं उसको मेरे तरफ से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मैं सबसे प्रथम मैं 2014 में थोड़े से जगह में कम मात्रा में ब्रॉयलर का शुरुआत किया था, उसमें जिसमें मेरे को सफलता मिली। इसके बाद मैं बटेर पालन व्यवसाय की तरफ मेरा रुझान गया और 2014 में मैं शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र दुर्ग से 600 चिक्स लाया था बटेर का, जिसमें कुछ का मोर्टलिटी हो गया, उसके बाद फिर दोबारा लाया, उसके बाद मेरे को उसमें सफलता मिली और उसी समय से मैं अभी तक करते आ रहा हूँ सर रेगुलर। तो भैया जैसे कि आपने बताया भी था हमको कि आपने शुरू में बॉयलर के स्टार्ट किया था, उसके बारे में बताएंगे, बॉयलर से आपने इसमें किस तरह से आए उसके बारे में बताएंगे। मैं शुरुआत से मैं इसमें नुकसान में गया, फिर मैं सोचा कि कुछ तो अब मेरे पास तो डिंकर फीडर वगैरह का कुछ बंदोबस्त कर चुका था जी, तो इस लाइन से मैं हट नहीं सकते थे, तो मैं इसके बजाय इसके जो रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए मैं बटेर पालन व्यवसाय को चालू किया और इसमें मैं सक्सेस हूँ जी। और इसको कम जगह में, कम पूंजी में, कम समय में और ज़्यादा लाभ अर्जित कर सकते हैं जी। और दूसरा जैसे कि भैया बॉयलर जो है सामने के ऊपर वाले के ऊपर रहता है कि कंपनियाँ उसको क्या रेट दे रही हैं, क्या रेट चल रहा है, इसमें हमारे ऊपर रहता है, ये अपना चीज़ है, अपना रेट स्वयं तैयार करो और स्वयं बेचो, ऐसा आत्मनिर्भरता जो जी सर। तो अभी सर हम जो है अंदर चलते हैं और उसके बाद फिर जैसे आपने मेडिसिन बताया उसके बारे में भी समझेंगे, पहले हम फॉर्म को देख लेते हैं। हम जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आपने गिनी फॉल भी रखा हुआ है भैया, उसके बारे में भी बताएंगे हमें जी सर जी। तो जैसे हम यहाँ पर गिनी फॉल भी देख पा रहे हैं आपके पास जी, इसके बारे में बताएंगे। ये गिनी फॉल अभी 3 महीने का है जी, इसका चूजा मैं बाहर से मंगाया था, अभी इसको अंडा पर्पस के लिए मैं रखा हूँ, इसको ब्रीडिंग पर्पस के लिए, इसका भी चूजा कुछ दिनों में जल्दी ही आप किसान साथियों को उपलब्ध करा जा सकते हैं जी। तो इससे किस तरह से बेनिफिट लिया जा सकता है फार्मर्स को? और बहुत ज़्यादा बेनिफिट है सर इसको, अगर चूजा तक इसको कम से कम एक दिन के चूजा से लेकर 15 दिन तक इसको दाना देना है, बाकी फ्री रेंज में छोड़ सकते हैं जी। मेन हमारा टॉपिक है तो उसको कवर करते हैं। तो साथियों जैसे कि आप भैया के हाथ में अंडा देख पा रहे हैं, ये अंडा है, इसको हैचरी के होने में कितना समय लगता है सर? हैचरी इसको बटेर का अंडा को फर्टिलाइज होने में 18 दिन का टाइम लगता है सर, और मुर्गी का अंडा को 21 दिन का हैचरी मशीन में। तो अभी जैसे कि ये हो जाता है हैच हो जाता है, उसके बाद फिर किसान भाई आप लेकर के आते हैं अपने फॉर्म में, तो एक दिन का चूजा लेकर के आते हैं किसान भाई जी जी। एक दिन का चूजा लेके हम अगर कोई यहाँ से लेके जाते हैं तो नज़दीकी वाले यहाँ से लेके जाते हैं, और कोई दूर हो गया, दूसरे स्टेट के हो गए, दूसरे राज्य वाले, तो उसको हम बस या ट्रेन से भी भेज देते हैं, क्योंकि अच्छा सुरक्षित के साथ चूजा पहुँच जाता है जी। तो अब जैसे कि समझ गए किसान भाइयों कि अब इसको हम लेकर के आ गए, तो कितने बाय कितने से शुरू करना चाहिए किसान भाइयों को? 10x10 का एक कमरे में आप आसानी से 500 बटेर तैयार हो सकते हैं, 500 से 800 से 1000 बटेर तैयार हो जाता है, लेकिन मिनिमम कम से कम वो 500 से चालू कर सकते हैं जी। और 500 बटेर में उनको ना बिल्कुल 10,000 से 12,000 का प्रॉफिट होगा। और इसमें डिंकर फीडर कितना लगेगा उसके बारे में बताइए? 500 में 4 ड्रिंकर 4 फीडर में हो जाएगा। और जैसे
किस तरह से व्यवस्था बना सकते हैं? ब्रूडिंग के लिए गोलाकार चिक गार्ड बोलते हैं उसको, गोलाकार एक टीना का काट के उसको गोलाकार शेप में बनाना है और नीचे में बाहर न्यूज़पेपर पेपर बिछा के उसको चीजें छोड़ देना है। उसके बाद गुड़ पानी वगैरह देना है और लाइटिंग अच्छे से करना है। तो लाइटिंग अभी कितने लाइटिंग में हो जाएगी? जैसे अभी ठंड में जैसे 500 बच्चे के लिए अपन उसको लगा सकते हैं, 4 बल्ब 200 वाट का नीचे में जमीन से, जमीन के फर्श से 6 इंच की दूरी में रह लाइट हाइट। और उसके बाद फिर जैसे आपने गुड़ पानी बनता है और फीड क्या चलेगा उसके बारे में बताएंगे? फीड इसका लगेगा ब्रॉयलर का पीस कटर जो आता है बारीक वाला दाना, उसको दे सकते हैं। जी जी। और गुड़ पानी जैसे पानी देना होगा, वो गुड़ पानी थोड़ा से उसको चख के देखेंगे तो मीठा का स्वाद आना चाहिए उसमें, ज़्यादा मीठा भी नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा फीका भी नहीं रहना चाहिए, ग्लूकोज टाइप का रहना चाहिए। जैसे हम ग्लूकोज लेते हैं अपने शरीर के लिए, थोड़ा मीठा पानी इस प्रकार रहना चाहिए। और उसके बाद फिर जैसे इसके प्री स्टार्टर कब तक चलेगा, कितने दिन में? इसको एक दिन से लेकर मार्केटिंग तक प्री स्टार्टर दे सकते हैं, और ज़्यादा कोई दिक्कत हो रहा है नहीं मिल रहा है दाना तो स्टार्टर भी दे सकते हैं, स्टार्टर में भी तैयार हो सकता है। और इसको कितने दिन मैच्योर होने में लगता है, जो कि मार्केट में जाने के लिए तैयार होने में? ये एक दिन से लेकर एक महीने तक, ये बच्चा जो है एक दिन से चालू करेंगे कोई फार्मर हमारे यहाँ से लेके तो एक महीने में वो बिल्कुल मार्केटिंग के लिए तैयार है। 180 से 200 ग्राम का साइज में आ जाते हैं। और जैसे इसमें और बात करें कि जैसे कोई फीड जो है वो खुद में तैयार करना, घर में तैयार करना चाहते हैं, घर का फीड लेना चाहते हैं, तो किस तरह से? बटेर को हाई प्रोटीन वाला फीड चाहिए सर, तो इसमें घर में अगर तैयार करेंगे तो वो बटेर के लिए सक्सेसफुल नहीं, ये देसी मुर्गी के लिए सक्सेसफुल हो सकते हैं घर का फीड जो है। किसान भाई जैसे आप इसमें कम समय में भी तैयार करते हैं तो उसके हिसाब से आप हाई प्रोटीन दीजिए ताकि कम समय से जल्दी भी तैयार हो जाए, वही है ना सर? और उसके बाद फिर इसमें कुछ बीमारियां देखने को मिलती होंगी, उसके बारे में बताएंगे हमको? इसमें कोई बीमारी वीमारी तो आता नहीं है, कुछ एंटीबायोटिक देना पड़ता है, जैसे एक दिन तो चूजा लेके गए हैं तो उसको 3 दिन के बाद एंटीबायोटिक दे सकते हैं, कोई ज़्यादा मृत्यु दर हो रहा है तो, और ठंडी के टाइम में थोड़ा एंटीबायोटिक देना पड़ता है। अभी का जो सीज़न है गर्मी का सीज़न है और नए फार्मा के लिए तो एकदम उपयुक्त समय है जी, उसको ज़्यादा कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई किसान भाई बटेर फार्मिंग में आना चाहते हैं तो अभी ये जो रहने वाला समय है बेस्ट समय है एकदम सही समय है। अभी फरवरी से मार्च अप्रैल का महीना जो है ना एकदम उनके लिए उपयुक्त समय है। अब इसमें जैसे कि ये देख रहे हैं साथियों काफ़ी तेज आवाज़ कर रहा है, तो ये इसी तरह से साउंड करता है कि हमारे आने से ये आवाज़ कर रहे हैं? नहीं, ये ब्रीडर है और ये ब्रीडिंग पर्पस के लिए रखा है, इस कारण मेल फीमेल जो इसमें है ना इस कारण ये कम से कम 6 महीने के बटेर है, 6 महीने के होने के कारण इनका आवाज़ जो है इसी चलता रहता है रेगुलर दिन और रात 24 घंटा। और जो हमारे फार्मर साथी सोच रहे होंगे इस प्रकार से हमारे घर में लाने के बाद ऐसे आवाज़ करेंगे तो बिल्कुल नहीं, ये कम से कम 1.5 महीने के बाद आवाज़ चलने करते हैं जी, तब तक उनका मार्केटिंग हो जाएगा, सेलिंग हो जाएगा, ये हम ब्रीडर के लिए रखें इस कारण ये आवाज़ करें जी। और जैसे कि सर इसमें वेट कितना गेन हो जाता है 1 महीने के अंदर? अधिकतम इसका वजन रहता है 250 से ज़्यादा नहीं होता, ये 250 ग्राम से, और 1 महीने के अंतर्गत 200-220 ग्राम तक आ जाते हैं, और एक महीने में ये मार्केटिंग के लिए सही है जी। अब सर जैसे कि आपने मार्केटिंग के बारे में ही बात की तो हम मार्केटिंग को बात करते हैं कि इसमें मार्केटिंग किस तरह से, मार्केट किस तरह से तैयार कर सकते हैं किसान भाई? मार्केटिंग अपने गांव में, अपने जैसे गांव में साप्ताहिक बाज़ार होता है, अपने नज़दीकी सिटी में जाइए, ज़िले में जाइए, ब्लॉक में जाइए, वहाँ मुर्गी दुकान हो गया, कटर हो गया, कटर वाले सब रख लेते हैं, और ननवेज वाले जो ढाबा हैं वहाँ संचालित करते हैं, ढाबा संचालित करते हैं, और ढाबा संचालन के जो मालिक हैं उनसे कॉन्टेक्ट करिए कि हमारे पास ये बटेर है, हमने बटेर पालन शुरू किया है, तो वो लोग ढूंढते रहते हैं ऐसे ऐसे मतलब नए नए वेराइटी चीज़। तो साथियों जैसे कि भैया से हमने फार्मिंग के बारे में समझा, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से हमको बताया फार्मिंग के बारे में। अब भैया जैसे आपने हैचरी सिस्टम भी शुरू की जी, तो हैचरी आपके दिमाग में किस तरह से आया उसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा? हैचरी के रुझान में मैं इस तरह आया कि मुझे चूजा नहीं मिल रहा था, चूजा काफ़ी किल्लत थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना छोटा सा हैचरी अपने के लिए रखूं, तो मैं अपने स्वयं के लिए चूजा निकालता हूं और साथ साथियों को भी अगर जिसको ज़रूरत है तो उसको भी चूजा भी प्रोवाइड कराता हूं। अभी तो इतना डिमांड है चूजा का और बड़ा बटेर का, हम पूर्ति भी निकाल पा रहे हैं जी।
आजकल गांव-गांव में हर कोने कोने में इसका खाने वाले बहुत हैं जी। आजकल ब्रॉयलर की तरफ नहीं जा रहे हैं, आजकल बटेर हो गया, गिनीफॉल हो गया, देसी मुर्गी हो गया, इनके तरफ बहुत जा रहे हैं जी। इसके पालन करने वाले भी काफ़ी हैं और इसका जो प्रॉफिट भी है, और बटेर पालन जो है कम समय में कम जगह में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है सर जी। तो अभी भी आपके हैचरी सिस्टम को समझेंगे, इसकी कैपेसिटी क्या है उसके बारे में हमको बताएंगे। सबसे पहले ये मुर्गी का अंडा 5,200 अंडा आता है और बटेर का अंडा इसमें डालेंगे तो 15,000 अंडा आता है सर जी। बटेर का 15,000 आता है जी। तो जैसे कि आपने बताया कि ये तो एक साथ उतना अंडा आप रहता नहीं है और आपको साइकिल भी क्रिएट करना रहता है, तो उसके बारे में हमको समझाएंगे और इसमें इस सिस्टम को भी दिखाते हुए चलेंगे कि किस तरह से आप इसको मैनेज कर रहे हैं। हर चार दिन में हम 7,000-8,000 अंडा इसमें डाल रहे हैं और निकाल रहे हैं जी। तो इसमें टेम्परेचर आप मेंटेन कर लेते हैं जी? टेम्परेचर सर इसमें सेट है सर जी, 37.8 डिग्री सेल्सियस का है और इसमें ह्यूमिडिटी रहता है जो अभी भाप जैसा निकल रहा है वो ह्यूमिडिटी हाँ। है इसमें 60% रहता है जी। ये 60 जो लिखे 60% ह्यूमिडिटी है और 37.8 में रहता है सर। तो इसके बारे में हम समझेंगे भैया कि आपने जो है इसको किस तरह से सीखा, कहीं ट्रेनिंग ली इसकी? हाँ, इसका ट्रेनिंग ली है मैंने जी, वही शासकीय कुकुट पालन प्रक्षेत्र दुर्गा में मैंने जाके ट्रेनिंग ली और वहीं से मैंने हिचड़ी और चूजा का ब्रूडिंग और बटेर पालन व्यवसाय का मैं ट्रेनिंग वहीं से सीखा जी। तो साथियों अभी भैया का अंडा भी अभी निकलते हुए हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे। अभी इनका आज हैचिंग डेट है, एक ये हम अपनी याददाश्त के लिए डेट इसमें रखे हैं कि क्योंकि अलग अलग डेट में अंडा डाला हुआ है जी। तो हम ये डेट इस कारण डाले हैं कि हमको मतलब कोई परेशानी ना हो, कोई याददाश्त अपना जो है ना नहीं रहता है, बिना डेट इसको फिक्स नहीं रहता ना, डेट नहीं डालेंगे तो ये एक एक डेट में एक एक सेट जो है लगाकर रखा हुआ है। चार चार दिन में हम अंडा लगाते हैं इसमें, तो इस कारण अलग अलग डेट में डालते हैं, तो अपनी याद के लिए रखें अपनी कितने लें। ये है चर सर, अभी इसमें अंडा डाला है, इसमें बच्चा निकल जाएगा अभी जी। आज ही 2 दिन हो गए इसमें हम रखे हैं, 3 दिन इसमें रखते हैं, 15 दिन इसमें रखते हैं, 18 दिन का टाइम रहता है बटेर का। तो साथियों जैसे कि आपने भैया का फॉर्म देखा, यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन इन्होंने फॉर्म बनाकर रखा हुआ है और इनका हैचरी सिस्टम भी हमने समझा कि किस तरह से उसमें वर्क कर रहे हैं। अभी हम आखिरी में हमारे जो युवा किसान भाई हैं उनको आप कुछ कहना चाहेंगे, जो फार्मर्स जो चाहते हैं अपने साइड में कुछ बिजनेस शुरू करना, उसके बारे में उनको कुछ कहेंगे सर? जी जी बिल्कुल, हमारे युवा साथी हैं, बेरोजगार युवा साथी हैं, उनको यही कहूँगा कि ये पार्ट टाइम बिजनेस है, सुबह शाम 1-1 घंटे इसको टाइम देना है और बटेर पालन करिए। बटेर पालन बहुत ही लाभकारी व्यवसाय है, आप कम से कम 500 से बटेर के बच्चे से स्टार्ट कर सकते हैं, 500 बटेर में बिल्कुल 10,000-12,000 का प्रॉफिट हो सकता है। पार्ट टाइम बिजनेस, इसको दिन भर टाइम देना नहीं पड़ता, शुरुआत के 3-4 दिन ही इसके लिए महत्वपूर्ण टाइम है, बाकी सुबह शाम 1 घंटा आप देख सकते हैं।